या भगवान की सवारी निकालने के लिए अनुमति मांगी। अड़ियल रवैये के कारण आपने मना किया और मना करने के बाद जब कारण पूछा तो कोई कारण बताने में असमर्थ थे। मोहर्रम का त्योहार था और वह जुलूस निकला है पुलिस के जाब्ते के अंदर और वो कह रहे मुझे पता नहीं, मैं जांच कराऊंगा। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। एसपी साहब भी गहलोत की तुष्टिकरण नीति में दबाव में काम कर रहे हैं, उनको शहर की चिंता नहीं है। शहर में जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, रामनगर में 5 चोरियां हुई, आपके वैशाली में चोरी हुई, आपके पंचशील के चोरियां हुई, आज चारों कल परसों में 3 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। यानी न तो घर के बाहर वाहन रखना सुरक्षित हुआ, न घर पे अपने बच्ची के साथ मिलने जाओ, घर बंद करके जाओ तो आपका घर असुरक्षित है। यानी इनको उस ओर ध्यान देना चाहिए दबाव की तुलना में। और जब कल तुष्टिकरण की नीति तो तब हद हो गई जब हम लोग झरनेश्वर महादेव के जो आज घसेटी बाजार से लेके नया बाजार तक, जहाँ कहीं रास्ते में इस प्रकार का कोई व्यवधान होने वाला नहीं था, वहाँ पे एक हमने पालकी या भगवान की सवारी निकालने के लिए अनुमति मांगी। वह अनुमति देने से केवल अपने जिद अड़ियल रवैये के कारण आपने मना किया और मना करने के बाद जब कारण पूछा तो कोई कारण बताने में असमर्थ थे। और उल्टा जब हमने कहा कि पिछले दिनों जो दूसरे संप्रदाय का मोहर्रम का त्यौहार था, वहाँ उससे पहले कहीं वो जुलूस नहीं निकला और वह जुलूस निकला है पुलिस के जाब्ते के अंदर और वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं जांच कराऊंगा। यानी इस प्रकार की स्थिति बना करके कुल मिला करके ये यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमसे एक मेरे पास समिति के सारे लोग आए थे, उन सबको साथ लेके उनके यहाँ गया था, उनके सामने जिस तरह की अभद्रता का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, मैं समझता हूँ कि ये तो प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है। इनको वहां से निर्देश है कि जनप्रति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए। उस सबको ताक में रख करके जो उन्होंने व्यवहार किया, हम सब ने निंदा की। और जब पुलिस की बात आती है तो यहाँ जो पर्यटन निगम के चेयरमैन यही खादिम होटल में उन्होंने एक तरह से कार्यालय और पूरा केंद्र बना रखा है, उनके दबाव में चलते हैं। उनको पुलिस की ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं जो उनके प्रोटोकॉल में बाकी किसी भी निगमों के या आयोगों के अध्यक्षों को नहीं है, उसके दबाव में काम करते हैं। मुझे लगता है कल भी बाद में उन्होंने कहा कि मैंने भी फोन, उन्होंने कोई प्रयास किया अपने जेब मिटाने के लिए। वास्तव में ये अशोक गहलोत की तुष्टिकरण, अल्पसंख्यक वोट उन्हें मिले इसके कारण से इस प्रकार का सारा व्यवहार कर रहे हैं। उनको शोभनीयता, वो अपने काम की ओर ध्यान दें।